नमस्कार, मेरा नाम है वंदना बटेरा और आज मैं आपको बताऊंगी कि पब्लिक स्पीकिंग में कहानियों का, स्टोरी टेलिंग का क्या महत्व है, क्या विशेषता है और स्टोरी टेलिंग, कहानियां सुनाना अपने कंटेंट, अपने स्पीच में, उसका मतलब क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो स्टोरी टेलिंग या कहानियां बुनना अपनी स्पीच में, उसका मतलब होता है कोई भी कहानी आपकी जिंदगी से रिलेटेड हो या कोई किस्सा आपकी जिंदगी से रिलेटेड हो या कोई किस्सा किसी मशहूर आदमी की जिंदगी से रिलेटेड हो या कोई किस्सा या कहानी अपने दोस्तों की जिंदगी से रिलेटेड हो, उसको लेना और उसको अपनी स्पीच में फिट कर लेना एक सही जगह पर जहां पे उसका नाता बनता हो आपके स्पीच के कॉन्टेंट से। ये नहीं कि आपने ऐसी की कहानी डाल दी, आप बात तो कर रहे हैं मोटिवेशन की और वहां पे कोई एक मजाकिया स्टोरी डाल दी, नहीं, वो स्टोरी वो कहानी का कुछ रिश्ता होना चाहिए विद योर कंटेंट। सपोजिंग आप बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो कोई किस्सा कहीं से लेकर उसको फिट कर दीजिए। उससे क्या होता है, लोगों की रुचि बनी रहती है, उनको मजा आता है, उनको ब्रेक मिलता है, एक सीरियस टॉपिक में एक कहानी से ब्रेक मिलता है, दो कड़ियां जुड़ती हैं और आपकी जो स्पीच है वो तो माशा अल्लाह इतनी उम्दा हो जाती है, नंबर वन हो जाती है। तो अगली बार जब आप अपनी स्पीच लिखे, कंटेंट लिखे, उसमें कहानी डालना मत भूलेगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पीच राइटिंग एंड योर पब्लिक स्पीकिंग।